ये हमने इसलिए मतलब प्रोग्राम को रखा है कि जितने भी ज्योतिष हैं सब आके अपने अपने बारे में मतलब गणना करके हमें बताएं, और उसमें से कौन कितना ज्योतिष, मतलब जैसे आजकल सारे बोलते हैं लोगों का विश्वास हट रहा है ज्योतिष से, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जैसे यहाँ पे लोग आए, लोगों ने समझा और उन्होंने ये देखा, जिनका ज्योतिष से विश्वास हट रहा था तो मेरे को ऐसे सुनने में आया और ऐसे मेरे को लोगों ने बताया कि हम तो यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे आके हमारे को मतलब बहुत अच्छा लगा। वो अच्छा उनको इसलिए लगा कि वाकई में जो ज्योतिष अच्छी गणना कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बता सकते हैं वो ज्योतिष आजकल हैं। पहले थे हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो अपने प्रभु के शक्ति से बताते थे, लेकिन अब कंप्यूटर का जो ज्ञान आ गया है, कंप्यूटर से बारीक डेट के हिसाब से ज्योतिष का फलित होता है। तो उसमें मतलब हमने इसलिए सम्मेलन रखा था कि लोग आएं और समझें कि ज्योतिष गलत नहीं है, जिस प्रकार साइंस गलत नहीं है, डॉक्टर गलत नहीं है, उसी प्रकार ज्योतिष भी गलत नहीं है अगर उसकी गणना सही और ठीक है। और अगर उसको गणना आती नहीं है और उसको ग्रहों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, या नक्षत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, या D9 चार्ट के बारे में ज्ञान नहीं है, तो फिर उसकी गणना गलत हो सकती है, तो उससे लोगों का विश्वास टूटता है। तो इसीलिए हमने ये सम्मेलन रखा था और इसमें हमने काफ़ी नेताओं को भी बुलाया था। कहाँ कहाँ से ज्योतिष आए हुए हैं? यहाँ मेरठ से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, हिमाचल से आए हुए हैं और गुजरात से आए हुए हैं, तो काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं। ऐसा देखा है तो जो भी ज्योतिष सम्मेलन में सभी ने कुछ न शुल्क लेते हैं, लेकिन आप पूरा निःशुल्क रखा है, तो कहाँ से ऐसा ऑर्गेनाइज कर पाए? ये किंग ज्वेलर ने इसका मतलब किया है प्रोग्राम, और उन्होंने इसलिए रखा कि भाई जैसे ज्वेलर्स में भी स्टोन्स होते हैं तो उनको स्टोन्स का ज्ञान हो, और मतलब वो एक ये चाहते थे कि जो लोग ज्योतिष के बारे में अच्छा नहीं समझते हैं, तो जैसे लोग दान पुण्य करते हैं तो उन्होंने इसको इस प्रकार से दान पुण्य के हिसाब से मतलब उन्होंने सोचा कि हम इसको इस प्रकार से करते हैं, और लोगों का इसमें मतलब जो हमारी ऋषि मुनियों की जो ज्ञान है, शक्ति है, उसका लोगों को पता लगे। और जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले भी आए हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में अच्छा बताया, क्योंकि वो भी ज्योतिष को बहुत अच्छा मानते हैं, और ज्योतिष में जो घटनाएँ घट हैं वो जो लोग इसका ज्ञान जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं और उसको वो अच्छी तरीके से मतलब प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने मतलब लाल किताब को भी यहाँ पे किया, कृष्णा मूर्ति को भी यहाँ पे किया, और हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर वालों को भी हमने यहाँ पे संबोधित किया, और बाकी भी जितने मतलब ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, हमने उन सबको बुला के सबका ज्ञान यहाँ पे प्रचार में लाए। ऐसा देखा है कि आजकल ज्योतिषों पर विश्वास कम होता जा रहा है, तो आपका ये इस प्रोग्राम से कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें तो लोग जो आए हैं वो तो सब बता रहे हैं बहुत अच्छा है, और हमारे को अब मालूम लग रहा है कि भाई जो जैसे एक डॉक्टर होता है एक परिवार का, तो वो डॉक्टर जो है वो सबके लिए मतलब जैसे कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर को भी एक फैमिली बनाना चाहिए कि वो उसके बारे में सब फैमिली के बारे में जानता हो। आज आप किसी के पास जाते हो, कल किसी के पास जाते हो, तो उससे क्या होता है कि उससे उनको ज्ञान नहीं मिलता, कभी कहीं भटकना, कहीं भटकना। तो जब तुम अपने ये मतलब देवता को, अपने इष्ट को, जिसके पास तुम अपना दुख रोने के लिए जा रहे हो, उसी के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो फिर तुम ज्योतिष के ऊपर क्या विश्वास करोगे? तो उसके ऊपर मैं मतलब हमने इसीलिए ये रखा है। और जितने भी मेरे को यहाँ पे लोग मिले हैं और जितने लोगों ने हमारे से बातचीत की है, नेताओं ने भी आए हैं जो, उनको भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और लगता है कि हम समय समय पर ये प्रोग्राम करेंगे। आप भी तो एक प्रखर ज्योतिषाचार्य हैं और काफ़ी फंक्शन में आप जाते हैं, तो अन्य फंक्शनों से इसमें क्या अंतर है? भी ये हमने फ्री में रखा है, और फ्री में रखा है, और हमने मतलब दिल्ली के जितने भी दिल्ली के बाहर से जितने भी लोग थे सबको बुलाया है कि अपने आचार विचार रखो, और जो ये ज्योतिष लुप्त होता जा रहा है, लोग इसके ऊपर विश्वास हटा रहे हैं, उसके ऊपर हम विश्वास को प्रकट करने के लिए हमने ये फ्री सेमिनार रखा है, और फ्री में लोग सभी आते हैं, और फिर उससे उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो कहते हैं विद्या दान महादान, तो हमने वो दान रखा है यहाँ पे।